नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर करूं करते हैं। लखनऊ पहुंच गई है प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ पहुंची है प्रियंका गांधी और सियासी तौर से जिस तरीके से चहलकदमी चल रही है उन सबके बीच प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से पहुंची है। तो देखिए एबीपी गंगा की टीम उनसे बात करने की कोशिश करें, अगर बात हो पाए तो। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई हैं और एबीपी गंगा उनके साथ इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल शैलेश, सीधे आपके पास आ रहे हैं। हालांकि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। एक बार फिर प्रयास करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं एक बार फिर से बात करने की उनसे कि क्या वो कुछ कहती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अब उनका लखनऊ में आना हो रहा है लगातार। बिल्कुल देखिए, अब देश यहाँ पर प्रियंका गांधी ने फिलहाल कोई भी बात नहीं की इस समय मीडिया से, और इसकी एक बड़ी वजह भी है। देखिए कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं लखनऊ में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। अभी तक चर्चा थी कि उसमें जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है उसको लेकर बात होगी, लेकिन एक ताज़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे अवधेश, कि संभव है कि अब प्रियंका गांधी जो है कल वो टिकट का जो वितरण करना है कांग्रेस को आगामी चुनाव के मद्देनज़र, उसको लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं। जैसे महिलाओं के लिए अलग से टिकट को लेकर जो व्यवस्था हो सकती है उसकी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगले एक से दो दिन के अंदर ही जो कांग्रेस पार्टी है वो आगामी चुनाव के मद्देनजर अपने जो टिकट है वो जारी कर सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे अवधेश, जानेंगे। सर, प्रियंका जी लखनऊ आई है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, क्या अहम चीज़ें होंगी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस? इसका तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे उन्होंने किया है, उन्होंने मोदी के गढ़ में घुसकर बनारस में दिखा दिया वाराणसी में। तो कल भी इंतजार करना चाहिए हमें, वो कौन सी घोषणा करेंगी। सुन रहे हैं कि इस बार जब टिकट बटेगा तो महिलाओं की भागीदारी देखने के लिए मिलेगी बड़ी। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बहुत ही जिम्मेदार चैनल के हैं, इसलिए कल तक का इंतजार कर लीजिए, कल अच्छी खबर। अगले एक से दो दिन में टिकटों का यहाँ पर वितरण जो है उसके नाम भी आने चल रहा है, नाम भी करीब मेरे ख्याल से 40-50-60 आ जाएंगे, यानी अगले दो दिन के अंदर सब सामने आ जाएंगी चीजें। कांग्रेस परंपरा तोड़ेगी, आखिरी दिन टिकट देने वाले की जगह 5 महीने पहले देगी। महिलाओं को कितनी भागीदारी देने वाले, 30% या 50%? हमारी बहुत सी महिला हैं तो अंदाजा लगा लीजिए। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर भी कल कोई घोषणा हो, इंतजार कर लीजिए कल तक का, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो देखिए उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन इशारा ज़रूर दे दिया, और ये मानकर चलिए अवधेश कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सोर्सेज की माने तो करीब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण टिकट बंटवारे में करने की घोषणा हो सकती है। अब कांग्रेस वो पार्टी नहीं रहेगी जो आखिरी दिन टिकट देती थी, 5 महीने पहले हम टिकट दे देंगे। तो क्या जो दो दिन वाला सवाल आपने पूछा था, इस बार कुछ टिकट देकर भी जाएंगी क्या प्रियंका गांधी? बिल्कुल अवधेश, देखिए जब हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या अगले एक से दो दिन में कुछ टिकट आ सकते हैं, उन्होंने कहा कि 50-60 नाम फाइनल हैं और उनकी घोषणा होगी। तो ये मानकर चलिए कल या परसों, मतलब एक से दो दिन के अंदर करीब 50-60 सीटों पर कांग्रेस अपने उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी जो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेहरे होंगे संबंधित सीट के। और उसमें भी जो अभी हमने देखिए पहले जिक्र किया कि महिलाओं को इस बार जो ज़्यादा उनको जगह दी जाएगी, जो उनके लिए मानकर चलिए करीब 33% जो आरक्षण सोर्सेज की माने, एक बात चल रही है फिलहाल कांग्रेस में चर्चा में है कि 33% महिलाओं को निश्चित रूप से टिकट देने के ऊपर जो बात है, तो वो झलक जो होगी वो इन 50-60 सीटों के जो नाम आएंगे उनमें देखने के लिए मिल सकती है। कल एक और चीज़ हमारे पास जो देखिए जानकारी आ रही है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो भी बड़ी संख्या में कल कांग्रेस कार्यालय में मौजूद रहेंगी। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है, और कल ये मानकर चलिए देखिए जब हमने यहाँ पर अभी प्रियंका को रिसीव करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा पहुंची, उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कल काफी यूनिक होगा जो वहां पर चर्चा में आएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। यूनिक
अंदाजा लगा सकते हो। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो खुद एक महिला भी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव के साथ उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी है, और लगातार जब वो यहाँ पर रहती हैं तो जो भी, चाहे लखीमपुर की देखिए पुरानी घटना की हम अगर बात करते हैं, जिस समय पंचायत चुनाव चल रहे थे तो वो एक पीड़ित महिला से मिलने के लिए गई थी जो अराजकता का कह सकते हैं अभद्रता का शिकार हुई थी। बिल्कुल, तो आप देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं, प्रमोद तिवारी ने भी ये बात कही है और कुछ बड़ी चीजें होंगी उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए शैलेश। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा है। दोपहर करीब 12:40 पर सीएम के आगमन का प्रोग्राम निर्धारित हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से सीएम के कार्यक्रम पर खतरा मंडरा रहा है। किसान डिग्री कॉलेज में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और सीएम योगी का कल संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करने आ रहे हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करने के बाद दोपहर 1:40 पर कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, एक तरफ तैयारियों की तस्वीर है, दूसरी तरफ बारिश की वजह से आशंकाएं बढ़ रही हैं कि कार्यक्रम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा झांसी पहुंची। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब झांसी में शिवपाल यादव और उनके कार्यकर्ताओं का स्वागत बैंड बाजे से किया गया, कई जगहों पर जाम जैसे हालात बने। वहीं दूसरी तस्वीर में उस वक्त की है जब वो झांसी पहुंचे, जमकर गरजे, उन्होंने प्रसपा प्रत्याशी की घोषणा भी की, लेकिन इस दौरान शिवपाल यादव का दर्द फिर छलका। उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, ऐसे में अखिलेश कम से कम सम्मान तो दें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहाँ पर भी हम टिकट देने लड़ाए उन्हीं को जिता देना। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार जालौन के कालपी पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया, जिससे कुछ जगहों पर जाम जैसे हालात पैदा हो गए। इस दौरान शिवपाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, गठबंधन के मसले पर कहा कि इस बार सभी सामाजिक विचारधारा की पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी प्राथमिकता में। देखिए, मैंने तो अभी सभी समान विचारधारा के और सेकुलर पार्टियों से हमारा प्रयास है सब लोग एक होकर के और एक हम बड़े दल से, उसमें प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी है और अलायंस करके हमें चुनाव लड़ना है। इधर झांसी में हुए शिवपाल यादव के कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए 500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे नहीं मिले। वीडियो वायरल होने के बाद सभी महिलाओं को 500-500 रुपये दे दिए। देखिए बवाल हो गया। झांसी की तस्वीर, और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सुखदेव राजभर, वर्तमान में बीएसपी के विधायक भी वो थे, और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा हमारे बीच नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। और 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने आज सपा को बड़ा झटका देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन अग्रवाल को बैठाने में कामयाबी हासिल कर ली। 14 साल बाद विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए। आज विधानसभा में हुए मतदान में भाजपा समर्थित विधायक नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि सपा के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 60 वोट ही मिल पाए। नितिन को कुल 368 में से 304 वोट मिले और इस दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 3 विधायकों ने भी नितिन अग्रवाल को वोट दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर खासतौर पर सपा को युवा विरोधी बताते हुए हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने संसदीय परंपराओं का पालन किया, जिसके जवाब में
नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि भाजपा ने संसदीय परंपरा का हनन कर लोकतंत्र की हत्या की। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और श्री नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में सदन के रूप में यहाँ पर यदि किया है। युवा भी हैं तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है, अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है, ये जो अंतर है। संसदीय परंपराओं का, संविधान का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है और उसने लोकतंत्र की हत्या की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बारे में कहा कि उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उनसे ऐसे ही उम्मीद थी। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने 2022 में सपा की सरकार बनने का दावा किया। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मान लें, उम्र में बड़े हैं और मैं सही में बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी, और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। दिन भर बैठे रहे, मंत्री सब बैठे रहे जो वोटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी जीती है, 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा साफ हो जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जी जान से जुट गई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो यूपी में सियासी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि यहाँ की पार्टियां निषादों को अपनी जागीर समझती हैं। इस दौरान मुकेश साहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर बड़ा हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि संजय निषाद पार्टी नहीं बल्कि दुकान चला रहे हैं, कभी अपने बेटे के टिकट के लिए सौदेबाजी करते हैं तो कभी खुद को एमएलसी बनवाने के लिए वो निषाद समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। निषाद समाज अब उनके बहकावे में नहीं आएगा, जो लोग निषाद पार्टी से जुड़े थे वही सब लोग अब वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई बड़ी पार्टियां पहले से ही सक्रिय हैं, ऐसे में वो अपनी पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं इस बारे में बात करते हैं मुकेश साहनी जी से, जो कि अभी प्रयागराज पहुंचे हैं इस उड़न खटोले के जरिए और यहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। मुकेश जी, आपकी पार्टी के लिए क्या संभावना है उत्तर प्रदेश में? देखिए, संभावना मजबूती से बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से बिहार में कोई सोच भी नहीं सकता कि निषाद समाज अपने वजूद को लाएगा और बिहार में आज अपनी सरकार बनाएगा, उसी तरीके से 15% से अधिक वह हमारे पास संख्या है उत्तर प्रदेश में और निषाद समाज जागरूक हो चुका है। उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ेंगे किसके साथ, क्योंकि यहाँ बड़ी पार्टियाँ पहले से ही हैं? ठीक है, बड़ी पार्टी भले वो अपने आप को बोले, लेकिन हम लोगों को वोट पे वो कब्जा करके बड़ी पार्टी अपने आप को मान रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे पास जो वोट है 15% वो हमारे पास है और आने वाले समय पर 165 सीट पर हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। पक्षियों में कोई आपको आयातित कहता है, कोई वोट कटवा कहता है, तो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं आप? देखिए, जिसको जो बोलना है उसको, उसके लिए धन्यवाद, वो बोल तो रहा है कम से कम। आप मानते हैं कि आप लोगों का खेल बिगाड़ रहे हैं? हाँ, खेल बिगड़ेगा, निश्चित तौर पे खेल बिगड़ेगा। निषाद समाज जैसे किसी से दूर होगा तो निश्चित तौर पे अगले का नुकसान होगा। जब से सक्रिय हुए हैं तब से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं, उनकी सभाओं में, रैलियों में हंगामे होने लगे हैं और आरोप आप पर लगते हैं? हाँ, नहीं देखिए, ये सब चीज़ें अभी हम लोग तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आज हमारे पास जनसभा में भीड़ उमड़ रहा है वो सब पहले निषाद पार्टी में था, वो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी बोलना उचित नहीं होगा। वो
सीबीआई को सीजीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी के लिए दाखिल सीबीआई की अर्जी खारिज हो गई है। आरोपियों ने नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई थी। आनंद तिवारी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और आनंद गिरी के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी ने पॉलीग्राफ टेस्ट करने का विरोध भी किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल